आग लगी है और कितनी दमकल की गाड़ियाँ इसमें लगी हैं, कितनी देर से आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है? देखो, मेरा प्रथम दृष्टि ऐसा लगता है कि आग काफ़ी टाइम पहले लगी होगी, लेकिन जो हमको सूचना मिली वो 5:32 पे मिली थी। जबकि जैसी जो इंसिडेंट होती हैं उसमें ऐसा रहता है अधिकांशतः कि आग भयानक होती है, क्योंकि जो इनका आइडेंटिफाई बाद में हो पाता है। जैसे हमको सूचना मिली, हमारी जो गाड़ियाँ नियर जो स्टेशन है हमारा कटघर, वहाँ की गाड़ी रवाना किया गया। मैंने लोकेशन लिया कि साहब आग बड़ी हो सकती है, तो मैंने तत्काल जो हमारा हैलेट रोड मेन स्टेशन है मैं का मुरादाबाद का, उसकी 5 गाड़ियाँ तत्काल रवाना कर दिया गया है। और स्थिति देखते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ महसूस किया है कि हमारा जो 6 गाड़ियाँ मौके पर हैं और हमारे कर्मचारी काफ़ी मेहनत से कार्य कर रहे हैं, लेकिन जो फैक्ट्री की गहराई इतनी अधिक है कि अंदर तक पहुँचने में दिक्कतें आ रही हैं। और इसमें गत्ता वगैरह का कैरोगेटेड वर्क होता था, पैकिंग मटेरियल, और इस तरह की जो फैक्ट्रियां हैं उनमें अग्नि सुरक्षा व्यवस्था लोग नहीं रख पाते हैं। आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि अगर किसी फैक्ट्री में एक ही बार आग लगती है तो वो कुछ भी नुकसान पहुंचा सकती है, आदमी की जान भी जा सकती है। तो इसके प्रति लोग अवेयर रहें और वो अग्नि सुरक्षा के जो व्यवस्थाएँ के उपकरण हैं उनको हमेशा मानकों के अनुसार रखें। सर, क्या अभी आग पर काबू पा लिया गया है या अभी आग लगी हुई है? नहीं, जो आग है उसकी इंटेंसिटी धीरे धीरे कम हो रही है, अंडर कंट्रोल है, लेकिन इसको बुझाने में थोड़ा अभी वक्त लगेगा। सर, आप भुवनेश पांडे, कहाँ आग लगी है और किस समय आपको जानकारी हुई? ये करीब साहब 4 बजे करीब मैं उठा था, 4 बजे मैं उठ जाता हूँ। उठने के बाद जो है मैं झाड़ू लगाता हूँ, बाहर पानी वानी डालता हूँ, उसमें मैंने देखा धुआंसा हो रहा है, कोहरा है शायद, मैंने धुआं नहीं कोहरा है। उसके बाद मैं आधे घंटे के बाद फिर बाहर निकला, बदबू सी आ रही थी, तो देखा लपटें चल रही थी बहुत तगड़ी तगड़ी सर, लपटें चल रही थी। उसके बाद फिर बाहर निकले, फिर मैंने जो मोहल्ले वालों को जगाया, आसपास पड़ोसियों को, और धर्मेंद्र जी का मकान है पड़ोसियों, इनको जगाया मैंने। मैंने भैया देखिए जरा क्या है, धुआंसा हो रहा है, मैंने आपके यहाँ कुछ है तो नहीं? तो पता चला कि आग लग रही है बंसल जी के, किसकी फैक्ट्री पता नहीं, बंसल जी की, खन्ना जी किसकी है। तो देखा साहब इसमें लपटें चल रही थी, बहुत तगड़ी तगड़ी लपटें चल रही थी, बुरा हाल हो रहा था यहाँ पर। उसके बाद जो है फायर ब्रिगेड वालों को सूचना दी गई, वो लोग यहाँ जो है 10 मिनट में पहुँच गए,
तो क्या कहते हैं लोगों ने आग पर जो काबू पाया है, ये काफ़ी मोहल्ले में जो आसपास के मकान इनको नुकसान बहुत हुआ था। लमसम कितने घंटे से आग बुझाने का प्रयास चल रहा है? ये करीब 5 बजे से जो है आग बुझाने का प्रयास चल रहा है। अब आग बुझ चुकी है? हाँ, अभी भी जो है अभी काबू नहीं, पूरा तरीके से नहीं हो पाया, लेकिन चल रहा है अभी। अभी जो धुआं वगैरह निकल रहा है, लेकिन पूरे सही से अभी जो है वो काबू नहीं पा रहा। क्या नाम है तुम्हारा? धर्मेंद्र यादव। क्या हुआ, कहाँ आग लगी और उससे तुम्हारे मकान में क्या नुकसान हुआ? ये बिल्कुल मेरे घर के पीछे फैक्ट्री है, उनका कई बार कहा कि ये गत्ते की फैक्ट्री है, इसकी सुरक्षा करें। मेरे ख्याल से कोई भी फायर की इंतजाम इनके नहीं थे, पूरा मेरा मकान चटक गया। सुबह बच्चों को भी बड़े मुश्किल से मकान गिरने की स्थिति थी। 5 बजे से हम सब लगे पड़े हैं, फायर ब्रिगेड आई तब जाके कहीं आग काबू हुई। अंदर घुसने की बिल्कुल जगह नहीं थी। ऊपर से ये देखिए, आप यहाँ आइए, ऐसे इधर से पीछे से आग डाली, कोई एंट्री नहीं थी, आगे से एंट्री थी, आगे आग ज़्यादा थी, पीछे आग थी, सब जा करके ये आग पर कुछ काबू पाया गया, पूरा घर चटक गया। नीचे से सब। लमसम तुम्हारा कितना नुकसान हुआ होगा? ये अभी मकान मुझे बनी रहा है, 6 महीने भी नहीं हुए बनाए हुए, 10 लाख रुपये का नुकसान है मेरा।